आज हम इंजीनियरिंग के क्लास में हम आपके साथ पार्ट ऑफ मोलबोर्ड ब्लाउ में आगे बढ़ते हुए आज क्लेबस के साथ हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो होता है क्लेबस जो होता है वो हरीस के अगले हिस्से पर एक विशेष प्रबंध होता है जिसके द्वारा हल को बैलों से जोड़ा जाता है। इट इज़ अ स्पेशल पार्ट ऑफ द बीम of the front portion of beam. It is a special part of the front of the beam, or you can say an adjustment of beam through which we are going to tie up the plow with bullock. और इसी प्रबंध को हम clevis कहते हैं। Thus, this adjustment is known as clevis. इसके द्वारा कोण की गहराई के ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता है। We can put control on the depth of plowing through this attachment or clevis. इसी के द्वारा शक्ति के केंद्र तथा भार केंद्र को अधिक से अधिक निकट रखा जाता है। Through which we are going to keep very close that the center of power and center of load. अच्छे हलों में प्रायः दो प्रकार के क्लेविस लगी होती हैं। इन गुड प्लाउ देयर इज टू टाइप ऑफ क्लेविस। देयर इज वन इज हॉरिजॉन्टल क्लेविस एंड सेकंड इज वर्टिकल क्लेविस। एक क्षैतिज क्लेविस, दूसरा ऊर्ध्वाधर क्लेविस। क्षैतिज क्लेविस जो या क्षैतिज एडजस्टमेंट जिसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं, यह क्लेविस हरीस के अगले सिरे पर भूमि के समानांतर लगी होती है जिससे कोण की चौड़ाई कम या अधिक की जा सकती है। जो हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट होता है क्लेविस का, मैं यू कैन से इन अदर वर्ड दैट व्हाटएवर एडजस्टमेंट हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट ऑफ क्लेविस दैट मीन नोन एज हॉरिजॉन्टल क्लेविस। दिस इज द एडजस्टमेंट पैरेलल टू द लैंड ऑन द बीम एंड थ्रू विच वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द डेप्थ ऑफ प्लॉइंग। यदि रस्सी को बीच वाले सुराख से दाबरोधी की ओर करें तो चौड़ाई घटती है। वेन एवर वी आर गोइंग टू कीप रोप टूवर्ड्स लैंड साइड फ्रॉम द मिडल होल ऑफ द क्लेविस देन डेप्थ ऑफ द प्लॉइंग विल रिड्यूस एंड टू इंक्रीज इट we have to do the we have to do the thing against the previous one. और इसके विपरीत करने से चौड़ाई बढ़ती है and then vertical adjustment, जैसे कि आप अगर यूपी नंबर दो अगर आप देखेंगे तो उसमें वर्टिकल क्लेविस लगी है। तो उसमें होता है क्या है कि ये भूमि के लंबवत लगा होता है और इसके बीच में सुराख के ऊपर की ओर रस्सी कसने से गहराई बढ़ती है और विपरीत दिशा में करने पर गहराई घटती है। दिस एडजस्टमेंट इज वर्टिकल टू द लैंड एंड वेन एवर वी आर गोइंग टू पुट रोप इन द मिडल ऑफ द होल ऑफ क्लेविस then it will give increase in the depth of plowing or whenever we are going to put rope downside of the middle hole then the depth of plowing will increase and dono prabandh ko halka yojak kehte hain। Both एडजस्टमेंट इज नोन एज हिच ऑफ द प्लाव। ये आपका क्लेविस हो गया। ये क्लेविस के अंतर्गत आप इतना सब आपको मालूम है। उसके बाद देन आफ्टर हैंडल हत्ता। हत्ते को हल पर नियंत्रण रखने के लिए हत्ते का प्रयोग किया जाता है। हल्के हलों में एक हत्ता तथा भारी हलों में दो हत्ते होते हैं। To control the plow, handle is used in light plow, one handle is there, and in heavy plow, two handles are there.
ये हत्थे लकड़ी अथवा लोहे के हो सकते हैं. इट आर हैंडल्स आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन. ये हत्थे मोल बोर्ड के पीछे हलमूल फ्रॉग तथा हरिस बीम से जुड़े होते हैं. दीज हैंडल आर अटैच एट द बैक ऑफ द फ्रॉग एंड बीम. देन गेज व्हील या गहराई नियामक. गहराई नियामक एक तरह का पहिया होता है. दो हत्थे वाले हलों में हरीस के अगले भाग पर क्लेविस के पीछे लगा होता है. गेज व्हील इज बेसिकली अ व्हील विच इज अटैच टू अ टू हैंडल प्लाव एट द फ्रंट पोर्शन ऑफ द बीम और एट द बैक ऑफ क्लेविस. ये एक ब्रैकेट पर चलता है. इट वर्क्स ऑन अ ब्रैकेट. और संक्षेप में अगर देखा जाए तो ये गहराई नियामक निम्न कार्य करते हैं. एट इट वर्क्स फॉलोइंग वर्क्स. नंबर वन, हल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक होता है. इट इज वेरी यूजफुल टू ट्रांसपोर्ट प्लाउ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एंड दूसरा, हल को भली प्रकार से नियंत्रित रखना जिससे वह चलते समय इधर उधर ना भागे. एंड सेकेंड इज थिंग इज दिस दैट टू कंट्रोल द प्लाव इन अ सच अ वे एट द टाइम ऑफ प्लाइंग प्लाव शुड नॉट मूव हियर एंड देयर एंड इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. गहराई को घटाना बढ़ाना तथा हल को एक समान गहराई पर चलाना. थ्रू गेज व्हील वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द डेप्थ ऑफ द प्लाव प्लाइंग. And another thing is this, that we have to make the plow and at the same depth at the hole plowing. And then after, coulters. Coulters मट्टी पलट हल के विशेष संलग्नी भाग है. It is a special attachment of the moldboard plow. इनको हरी से जोड़कर हलतल के आगे मट्टी के ऊर्ध्वाधर काटा जाता है. इन जिनको हरीस के साथ जोड़ के हलतल के आगे मट्टी को ऊर्ध्वाधर काटा जाता है जिससे हल आसानी से मट्टी का टुकड़ा काटता चला जाता है. वी हैव टू पुट कोल्टर्स एज अ एडजस्टमेंट इन द फ्रंट ऑफ बीम we have to attach this coulter with beam in front of plow bottom through which it can cut soil vertically, through which plow can cut furrow slice very easily. कूण को भीतर से मट्टी को अलग करने के लिए भी coulter लगाया जाता है. Whatever soil it is attached from inside, to remove that soil, coulter are used. बनावट और हलके पर लगाने के ढंग के अनुसार coulter कई प्रकार के होते हैं. According to shape and the use, coulter are of two types or many types. लेकिन मोटे तौर पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है. But mainly it can be divided into टू ग्रुप. नंबर वन, सरकवा या चाकूनुमा कोल्टर, स्लाइडिंग और नाइफ कोल्टर्स. एंड दूसरा, लुढ़कवा अथवा तवेदार कोल्टर्स. ये दो तरीके के कोल्टर्स होते हैं. और उसके बाद आया आपका जॉइंटर. जॉइंटर मट्टी पलटने वाले हल का एक छोटा सा नमूना होता है जो हलतल के आगे हरीस के आगे कोल्टर के भांति जोड़ा जाता है, जो कि हल के मुख्य तल के आगे आगे छोटी कूड़ मिट्टी तथा घास खुरचता रहता है. इसके द्वारा खुरची हुई घास को भली भांति मिट्टी में दबाई जाती है जो सड़ गल करके खाद का काम करती है. कभी कभी कोल्टर व ज्वाइंटर दोनों एक साथ प्रयोग किए जाते हैं. आज के लिए इतना काफी. कल हम आपको आगे की चीज़ों में बताते चलेंगे.